अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारे 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का थर्ड। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो वही सिंपल तरीका हम यहाँ पर यूज करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। यहाँ क्या पूछा गया, रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात करें। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, टोटल दूरी कितना दिया, 300 किलोमीटर दूर दिया हुआ। ठीक है, घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तो कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, तो 60 किलोमीटर तो एक फॉर्मूला में तो पहले पढ़ चुके हैं, दूरी बराबर सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है रेलगाड़ी के लिए, 60 दिया, तो क्या लिखते हैं, दूरी कितना लिखते हैं, 60 बटा में क्या चाल, ठीक है, रेलगाड़ी चाल क्या है x, तो 60 बटा x प्लस 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा। अब क्या है, 300 में से 60 हमारा रेलगाड़ी द्वारा, तो बस से कितना हो गया, 300 में 60 माइनस कर देंगे 240, बाकी बचे क्या, 240 क्या बस द्वारा, तो बस का स्पीड क्या है वाई, ये हो गया 240 बटा वाई बराबर कितना समय लगता है, समय लगता है इसमें 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटा दिया हो तो यहां लिखते हैं 4, ये हो गया पहला, इसको फर्स्ट समीकरण लिख देते हैं। और फिर दूसरा हम निकालते हैं, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यहाँ पर लिखते हैं 100 बटा एक्स प्लस, अब 100 रेलगाड़ी से तय किया तो 300 में 100 माइनस कर देते 200 हो गया, तो 200 बटा वाई बराबर 4 घंटे कितना लगता है उसे शेष बस से, तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं 10 बटा 60, क्योंकि हमें पता है एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो 10 बटा 60 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड नंबर, बस मेन यही पे है। अब इसके बाद तो हम जो सिंपल तरीके से बनाते आए हैं उस तरह से बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे 1/x है, तो 1/x बराबर u तथा 1/v बराबर सॉरी 1/x बराबर u तथा 1/y इसको मान लेते हैं, 1/y बराबर v माना, ये मान लिए। अब सिंपल तरीके से बनाते हैं, यहाँ कितना होगा 60 u प्लस 240 v बराबर 4 है, सो थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 100 u प्लस 200 v बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये 60 है तो 60 से गुणा कर देंगे इसको, 6×6=24, या फिर इसको काट लेते हैं पहले, 0 0 कट गया। ठीक है, 6×6=24 और 1×25, तो 25 बटा में क्या है 6, ये आ गया, इसको लिखते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, अब इसका आगे हमें सॉल्व करना है, तो यहीं पे हम किनारे में सॉल्व कर देते हैं, 60u प्लस 240v बराबर में 4 दिया हुआ। ठीक है, और नीचे में दिया 100u प्लस 200v बराबर 25/6, ये दिया हुआ है, ये है थर्ड नंबर हमारा, और ये हो गया फोर नंबर। अब इसको एक काम करते हैं, या तो हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर बना सकते हैं, परंतु हम क्या करें इसी में सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली, इसको इंटू साइन देते हैं, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, यहाँ 60 है तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देते हैं, सिंपल सा, 100 से गुणा करें तो 60 को 100 से गुणा करेंगे तो 20 और आ जाएगा। ठीक है, प्लस 240 को 100 से गुणा करेंगे 24, इतना है, 20 और बढ़ जाएगा,
बराबर 4 को से करेंगे 400, ये हो गया। 60 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा u प्लस, इसको गुना करेंगे 6 × 12, 1 2 3 0, 1 2 3 बराबर, इसको गुना करते हैं 6 × 10 = 10 आया, 10 गुना करेंगे 25 से 250, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं घटाने पर, क्या कर रहे हैं घटाने पर, घटाने पर ठीक है, प्लस को उल्टा माइनस, प्लस को उल्टा माइनस, प्लस को उल्टा माइनस, ये दोनों कट गया ठीक है। अब दोनों को माइनस करते हैं, 3 0 3 0 यहाँ पर सेम उतर जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे तो 1, ये आ गया। इसमें क्या लिखा है साथ में भी लिखता, तो यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, इसमें भी लिख देते हैं बराबर। अब इसको माइनस करते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में, घटाते हैं 400 में से क्या हमको 250 माइनस करना है, तो 0 में 0 घट गया, ये 0 में 5 नहीं घटेगा तो पैसे वाले बन जाएगा 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बन जाएगा 3 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 150 आ गया। तो भी बराबर 150 और यहाँ पे 1 2 1 2 3 0 ठीक है, ये 0 कट गया, बस गया 15/1200। और भी इसको हम काट सकते हैं तो काट लेते हैं, 5 3 15, 5 5 5 10, 11/2 बच गया, तो 5 4 20 ठीक है। तो इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो 24 को हम क्या करते हैं, 5 गुणा करके देख लेते हैं, 5 4 20 = 0, हाथ में 2 5 2 10 2 12, कितना 120, यार क्या 1200 है तो 1 0 और बैठा देंगे, यहाँ पे क्या हो गया 240। और फिर से काटते हैं, 3 8 24, 8 बार में कट गया 80, कितना निकला 1/80 ठीक है। तो भी बराबर क्या निकला, 1/80 निकल गया। अब जो भी का मान ये निकला है इसको हम इसमें रख देंगे, भी बराबर 1/80 का मान थर्ड नंबर में रखने पर, थर्ड नंबर में रखने पर, थर्ड नंबर क्या ये है, तो यहां पर लिखते हैं 60 u + 240, भी की जगह लिखेंगे 1/80 हो जाएगा ठीक है, बराबर 4 दिया हुआ है, इसको लिख दिया सेम, जो काटते 8 3 24 3 बार में कट गया, यानी कि 60 u + 3 बराबर 4, 60 u = 4 है, प्लस 3 जाएगा तो -3 घटाएंगे तो 1 आएगा, u बराबर 1/60 ये निकल गया ठीक है। अब इसको आगे मिटाते हैं, इसको नोट कर लें, अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/x बराबर u माइनस है ठीक है, u बराबर हमारा निकला कितना 1/60 बराबर क्या 1/x, तो वह x से गुना ये से गुना, इसलिए x बराबर 60 निकल गया। अब इसी तरह v बराबर कितना दिया हुआ है 1/80, तो 1/80 बराबर क्या 1/y होगा, तो y से गुना इसलिए गुना जाएगा, इसलिए y बराबर 80 ठीक है। इसमें क्या लिया था, रेलगाड़ी का था, बस के क्रम से चाल ज्ञात करना था, तो रेलगाड़ी का चाल क्या हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों आंसर हो गया, इसमें हमने लिख दिया आंसर ठीक है। हम इसका आगे जो पढ़ाई हम करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, थैंक यू।